मैं आ गई हूँ एज यूजुअल सौदा लेने। और यहाँ पे आपको पता है ग्रॉसरी करना डिफिकल्ट है, फ्रूट ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो अपना फेवरेट फ्रूट लेके आते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, जहाँ हम जाएंगे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे और मेरे साथ बने रहिए, फिर इंशाल्लाह आपको थोड़े थोड़े फ्रूट थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते हैं। देखें यहाँ हर वक्त वेदर ऐसे ही रहता है जैसे अल्लाह ताला ने एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं। ये मैं उधर आ गई हूँ फोर्ड, एज़ यूजुअल अपनी शॉपिंग करनी थी और बच्चे कम ही निकलते हैं मेरे क्योंकि वो अपने बिजी होते हैं, बड़े हो गए हैं, तो मैं मेरी गाड़ी और मेरा बैग और मेरा ब्लॉगिंग बस यही करती रहती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आज इधर बहुत रश है क्योंकि अब ये 2 महीने इधर शदीद रश है ना क्रिसमस की वजह से। और मेरे साथ बने रहिए, अब मैं जा रही हूँ पामलैंड में, वहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेनी है, बस वहाँ से फिर मैं एक और स्टोर में जाना है, फिर आपको दिखाती हूँ। और आज वैसे भी संडे है, गुड़ की बातों का दिन है, मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। क्योंकि बारिश शुरू हो गई है तो ये बारिश जो है ना ये हम ममूल में लेते हैं, ये कोई अगर कोई पाकिस्तान से समझे कि ये बड़ा फैंटेसी वेदर होता है, इतना गंदा वेदर होता है, लेकिन उसमें हम जो है ना खुशी खुशी फिर लेते हैं, सर पे ये लेते हैं और गीले गीले होके घर चले जाते हैं। और यकीन माने ये बारिश इतनी ख़तरनाक होती है, इसमें अल्लाह माफ़ करे गाड़ी बहुत स्किड होती है, एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा होता है। तो हम निकले थे अपनी छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, मैंने कहा आपको दिखाऊं क्योंकि आज संडे है, मैं बार बार कह रही हूँ आज गुर की बातों का दिन है, तो मेरे साथ बने रहिए। आज कुछ खास खाना नहीं बनाना था क्योंकि आज हम घर से चीज़ें निकाल के खा लेंगे, इतना ख़ास नहीं था आज, काफ़ी कुछ पड़ा है, तो लें अब हम गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, फिर आपको दिखाते हैं हम क्या करने लगे हैं, किधर जा रहे हैं और हमारी रूटीन क्या है। और बारिश तेज़ हो गई है। ओके, मैंने कहा मैं फारिग हो गई हूँ सारे कामों से, आपको पता है घर के भी सारे काम करने होते हैं और बाहर के भी काम करने होते हैं, ग्रॉसरी करनी होती है, बच्चों को लाना ले जाना होता है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं हम समझते हैं कि जिम्मेदारियाँ कम हो गई, लेकिन यकीन माने जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इंसान के लिए बंदा सोचता है यार बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं अब ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, यकीन माने कोई टाइम नहीं होता, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके टेंट्रम्स, उनका सिस्टम, उनका सिस्टम के लिहाज से उनका उनका खाना पीना, सिस्टम का मतलब है खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े लाना जाना आना, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है, तो फिर अपने लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। मैं पहले इतनी बिज़ी होती हूँ और आप यकीन माने कि जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है मैं मज़ीद बिज़ी हो गई हूँ। मज़ीद बिज़ी का मतलब है कि मेरे पास ज़रा सा भी जिसको कहते हैं ना टाइम नहीं होता, समझ नहीं आती, हालांकि कहने को कुछ भी नहीं करती और करती भी सब कुछ हूँ, मतलब मेरे इतने सारे काम होते हैं मुझे खुद भी नहीं याद होते टाइम, अच्छा अब ये काम खत्म हो गया, अच्छा अब ये शुरू हो गया, अच्छा ये ख़त्म हो गया, अब ये शुरू हो गया, तो उनमें से एक ये टाइम भी होता है कि मैंने गुर की बातें सोचनी होती है कि आज हमने क्या टॉपिक डिस्कस करना है, किस छोटे मोटे टॉपिक को डिस्कस करना है, चलो एक मैं डिस्कस करती हूँ, अवेयरनेस होती है, चलो ये कि मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं लोगों से शेयर करती हूँ, कोई सुनता है शायद किसी का भला हो, मैं चाहती हूँ कोई भी सुने मुझे बताए मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, क्या मतलब सीन है क्या हिसाब किताब है। एक तो ना मैं आपको सही बात बताऊं, पिछले दिनों मैं ना कोई 4 दिन हुए 3 दिन पहले मैं एक ना ये पाकिस्तानी ये जो लगते हैं क्राइम चैनल्स के ऊपर जो दिखाते हैं कि कोई बंदा पकड़ा गया है जेल में आ गया, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, एंकर उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 3 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक बंदा कह रहा है कि प्लीज़ मुझे बचाएं, मेरा कोई कसूर नहीं था, तो मुझे कोई मतलब वो वहाँ अचानक ही एंकर आ गए, वो जैसे नॉर्मली हर जगह एंकर फिर रहे होते हैं उनको स्टोरी चाहिए होती है, तो वो छोटा मोटा कोई एंकर था उसने स्टोरी डाल दी कि वो दिखाया कि बंदा ना वो कह रहा है कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं, तो मैं तो जेल से आ गया तो मैंने बचाओ, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो जी मसलियत करान गया सी तो मैं फंस गया तो मैं लड़ाई तक मुकी हो गई, तो उन्होंने मैंने भी कुटिया मैं भी कुटिया तो जी मैं जेल चा गया तो कोई कसूर ही कोई नहीं जे, मैं तो उन्होंने पड़ोसी सी मतलब मैंने पता ही कुछ नहीं सी, तो मैं तो एवं पै गया, तो मैं तो क्या चलो जिस तरह हमारे पाकिस्तानी में होता है ये एवं पता होता नहीं एवं किसी के मसले में घुस जाते हैं
वो मैं तो पता नहीं करदा करदा बड़े उहदे मसले च। तो मैंने कहा चलो आज इसी के ऊपर हम थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि चलो एक बंदे को अवेयरनेस होती है, या मैं कहती हूँ कि अच्छा होता है कि आप डिस्कस करें। कई चीज़ें खुल के डिस्कस करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। क्या पता कोई मुझे सुन रहा हो तो उनका प्रॉब्लम हल हो जाए। एक तो ना पहले क्या होता था, पहले ज़मानों में एक इखलाकियात, छोटे बड़े का एहतराम और ख़ानदान में बड़ों का एहतराम बहुत माना जाता था। कोई दोस्त ज़रा उम्र से बड़ा होता था, बहुत एहतराम दिया जाता था उनको, इतना प्यार दिया जाता कि जी बड़ा है, बड़े की बात सुननी है, समझनी है। और ख़ानदान हो, दोस्त यार हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, उनमें ना आजकल मरवत बिल्कुल नहीं रही लोगों में। वो किस तरह, मैं बताती हूँ। पहले होता था किसी के फैमिली में लड़ाई हो गई है, दो लड़की वाले के घर के तो दो लड़के वालों के घर के बैठते थे, बातचीत होती थी, मसला हल हो जाता था। दोस्तों में बहस हो जाती थी, दो दोस्त लड़ पड़े आपस में, तो जो साथ बैठे होते थे वो कहते थे यार छड़ दफा कर, की लड़ाई करनी, छड़ो अगे गल करो। कई फैमिली फ्रेंड, जैसे फैमिलीज फ्रेंड होते हैं, आपने जब काफ़ी सारी फैमिली फ्रेंड बनाए होते हैं, कहीं आप किसी फैमिली के घर लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी की, आप चले गए हो, अगला ने अगर ए बंदे आ गए पाओ इन्हें थे। पहले होता था, लोग ऐसे नहीं करते थे। आजकल क्या है, आप किसी के घर जा रहे हो, उनके घर कोई मसला है, वो आपके सर पे डाल रहे हैं। बड़े एक्सपीरियंस से मैं ये बात कर रही हूँ। बी प्रैक्टिकल, किसी के मसले में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कोई भी लड़ाई हो रही हो, जब तक आपको दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी बात नहीं पता, आप किसी के मसले में मत आएं। उससे क्या होता है, काम ख़राब हो जाता है। आप किसी को सही किसी को गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये कि आप दूर रहें, मेरा मानना है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने कई घरों में देखा है, कई हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि हम बात डाल दें दूसरे के ऊपर। तो ऐसे बंदों से बचें, ऐसे फैमिली मेम्बर से बचें जो लड़ाई अपने घर की होती है डाल किसी के घर पे देते हैं। कई बेवकूफ़ लोग होते हैं जो किसी की लड़ाई, वो कहते हैं ना सात समुंदर पार गोलाबारी चलती पई है, चलती पई है, तो वो लड़ाई चुक के अपने घर ले आएंगे। तो इन लोगों को बचो। कई लोग मैंने देखा बातों का हेर फेर करते हैं, और यकीन माने उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पता होता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, सॉरी ये कैमरा हिल रहा है, उसके बावजूद वो उसे गुरेज नहीं करते। नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, और बातों का हेर फेर करके झूठ भी बोलते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। बंदा अपनी फैमिली में अपने अराउंड ऐसे लोगों को देखता है जो बहुत महज़ब होते हैं, बहुत तहजीब वाले होते हैं, लेकिन बातों का हेर फेर करते हैं। और जब सही सच्चा होने लगता है, सबसे पहले उन लोगों के टेढ़े में पीड़ उठती है, फिर वो वहां पे सेंसिटिव बन जाते हैं कि जी फलाना जो वो तो वो ऐसी बात नहीं करता, वो बहुत सेंसिटिव है, वो इतना सेंसिटिव है तो वो तो ऐसी बात करना ही नहीं चाहता। और इनकी शक्ल बनाएंगे कि इन्हें तो मासूम कोई नहीं, असी पता नहीं की लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचे, बहुत बचे ऐसे लोगों से, एक्सपीरियंस है। स्पेशली जब आप की बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, आप बहुत लोगों को मिलते हैं, बहुत आपका आना जाना है, जहाँ किसी के पर्सनल कोई लड़ाई हो रही हो, घरों में होता था पता लग जाता है, आप वहाँ ना पड़े। जो तो बंदे जेन्युइन होते हैं ना, वो पॉजिटिव बात का मतलब पॉजिटिव ही लेते हैं। जो बंदे मेंटली तौर पे दो नंबर होते हैं ना, मीन्स क्रिमिनल माइंड होते हैं, वो बातों को ट्विस्ट करते हैं। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप यकीन करें, कि लड़ाई उन्होंने अपने घर हो रही है, वो चाहते असी को बंदा लभी है तो उधर तो मुद्दा पाइए। ऐसे लोगों से बचे, ऐसे लोगों की लड़ाई में मत आए। पता है किन लोगों का साथ दें, जो आपको पता है कि जेन्युइन बंदे हैं, हकीकत में बंदे हैं। यहां पे फिर वही बात आ जाती है, हर बंदा खानदानी होता है,
लेकिन कोई कोई बंदा खानदानीपन दिखाता है। हर बंदे में खानदानीपन नहीं होता, होता हर बंदा ही खानदानी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन खानदानीपन हर बंदा नहीं दिखा सकता, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बात फिंगर पॉइंट हर किसी को आ रही है करनी। हर बंदा कह रहा है फलाने मैं बताता हूं कैसे होगी जिंदगी, नहीं 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 ऐसे नहीं होता। जिंदगी को जीने का एक ही तरीका है, वो कहते हैं ना एक सच एक बारी बोलिया जाता है, एक झूठ लख बारी बोलिया जाता है। लोग बात करेंगे, बाज मर्द मैंने देखे हैं, मुंह पे कुछ होंगे पीठ पीछे कुछ होंगे, मुंह पे कहेंगे साड़ी बुड्डी बड़ी चंगी है, पीठ पीछे उसको गालियां दे रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। बाज औरतें बड़ी कहेंगी कि हम जी बहुत ज्यादा घर को प्रायोरिटी देते हैं, ये करते हैं वो, लेकिन पीठ पीछे खावन की बुराइयां, फलाने की बुराइयां। देखें एक होती है जेन्युइन घटना घटी होती किसी के साथ, एक होता है कि किसी के साथ जेन्युइन हादसा हो गया है, वो बता रहा है, बताना जा रहा है लोगों को, एक होता है क्रिएशन करके बताना। ऐसे लोगों से बचें, उसमें उम्र का कोई हिसाब नहीं है, कोई उम्र का हिसाब नहीं है ना, वो ऐसे लोग ना अपनी छोटी उम्र देखते हैं, ना बड़ी उम्र देखते हैं, ना अपना बुढ़ापा देखते हैं, क्योंकि हर किसी पे ये बचपन जवानी मिडल एज बुढ़ापा ये आना ही आना है। जवाब आपने खुद देना है, या तो आप दो नंबरी कर लेंगे, आगे जाके नहीं करेंगे, हिसाब पूरा पूरा होना है। कई मैंने मर्दों में औरतों में ये चीज देखी है, सब्र की तलकीन करेंगे, हौसला करें, माफ करें, ऐसे करें, लेकिन जब वही चीज उनके अपने साथ हो रही होगी, कई मैंने पता है अपने अराउंड कई बंदों को देखा है, मैं मेंशन नहीं करना चाहती नाम, यकीन माने मैं उस दिन अपने खान साहब से बात कर रही थी, मैं कहा यार वो फलाना बंदा औरतों की तरफ बद्दुआएं देने लग गया अपनी दफा, जैसे कुछ जनानियां बद्दुआएं दे रही होती हैं, और दो मिनट बैठा पहले वो माफी की हदायत की तलकीन कर रहा था, लेक्चर जा रहा था। मेरा समझाने का मतलब ये है कि लोगों के मिस फड्डे से दूर रहें। मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाऊं मैं अपने प्रॉब्लम्स अपने तक रखती हूं, ना कि मैं किसी से डिस्कस करूं। क्यों डिस्कस करूं, जरूरत ही नहीं है। हर किसी की जिंदगी में मसले हैं, अगर कोई ये कहता ना मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरी नो, हर घर में मसला, हर जगह पे मसला, लेकिन कुछ लोग उसको खुश उसलूबी से ना गेट आउट कर देते हैं, कुछ लोग बना के रखते हैं, कुछ लोग दूसरों को तलकीन कर देते हैं सब्र की, और खुद पे उनका सब्र नहीं होता। तो बस मेरा बताने का मतलब ये है, गुर की बात ये है कि हर किसी के प्रॉब्लम से, हर किसी के मसले से दूर रहें। जब तक आपको दोनों लवाहिकीन की बातें ना पता हों, दोनों पार्टियों की बातें ना पता हों, आप इन मसलों में मत आएं। हो सकता है मैं सेल्फिश हूं, लेकिन नहीं, दरहकीकत यही रियलिटी है। हो सकता है कई लोग देखने वाले कहें कि बहुत सेल्फिश है, क्या बात कर रही है, लेकिन नहीं, बहुत कम लोग हैं जो किसी की नसीहत को सोचना पसंद करते हैं, ज्यादातर तोहीन अमेज और बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल लोग कर देते हैं। बेहतर आप ऐसे लोगों से बचें, मेरा तो यही तजर्बा है, मैंने तो यही देखा है, जितना आप क्वाइट और क्विट रहेंगे उतने ही आप बेहतर रहेंगे। हो सकता है कई लोग मेरी बात पसंद ना करें, हो सकता है कई लोग मुझे कहीं भोती आई बड़ी बातें कर रही है, लेकिन दर हकीकत मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कई लोग इल्ज़ाम लगाने में दो मिनट लगाते हैं, हकीकत मैंने कई लोगों को देखा है, उनको पता है मेरी बीवियाँ बड़ी तेज़ हैं, अब वो दूसरों पर लाऊंगे इसने मेरी बीवी खराब कर दी। अच्छी भली समझदार खतूनें होती हैं, बाज़ बंदों की आदत है, ओ जी ये इसने मेरी बीवी को खराब कर दिया फलाने ने,
कोई औरत कहेगी ओ जी मेरी मेरे बंदे को खराब कर दिया फलाने के बंदे ने। जैसे माँ बाप के पेट से जब बच्चा आता है ना, उनको पता होता है मेरे फलाने बच्चे की क्या आदत है। इसी तरह मियाँ बीवी भी एक ऐसा ही रिश्ता है, उनको आपस में पता होता है कौन कितना पानी में है। बस एक बंदा चाहिए होता है जो खोता जिस पर डालना होता है। मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी मिसाल है जो एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को दी थी। उस्ताद था एक बैरिस्टर यानी एक जज, और उसके उस्ताद थे, उसके स्टूडेंट थे वकील। वो मेरे वाले साहब ने मुझे सुनाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं सकती अगर, क्योंकि ज़रा थोड़ी सी मिसबिहेव वर्ड है, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाती। तो इसलिए मैं उसको बड़े डिसेंट वर्ड्स में आपको सुनाती हूँ। ये मिसाल मेरे वाले साहब ने मुझे सुनाई थी कि उनके एक उस्ताद थे और वो दो तीन स्टूडेंट थे। तो जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की लॉ की, तो वो जो जज साहब थे, जो यानी टीचर थे, उनके उस्ताद थे जिन्होंने उनको वकालत सब तीन चार फ्रेंड्स को सिखाई, तो उन्होंने एक पेपर पेन लिया, उसको लिखा कि हर बंदा एक उल्लू के पट्टे की तलाश में होता है। मैं आपको बड़ा डिसेंट वर्ड करके बता रही हूँ, हर दूसरा बंदा एक उल्लू के पट्टे की तलाश में होता है कि किस पे बात डाली जाए और किसका मजाक उड़ाया जाए। तो ये मैंने बड़े डिसेंट में आप तरीके से आपको बना, ये मोर थोड़ी सी फजूल सी बात थी, लेकिन ये हकीकत है। हर बंदा दूसरा बंदा ढूंढ रहा होता है, उस पर बात डालें या उसे पैसा फ्रॉड मार लें या कुछ ठग लें या किसी पर इल्ज़ाम डाल दें। लिहाजा ऐसे लोगों से अवेयर रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस तरह की गुर की बड़ी बातें आप तक पहुंचेंगी, और ये क्योंकि थोड़ा सा हीट टॉपिक होता है इसलिए मैं इसको संडे के संडे करती हूँ। तो प्लीज़ जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें। और आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज के व्लॉग का अख्तितम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए और कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे, एक नए दिन के व्लॉग के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको मेरा फिर मैं वही रिपीट कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा तो एनर्जेटिक बूस्ट चाहिए होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।